नमस्कार, आपके आपका स्वागत है डेली के इस लाइव सेशन में, मेडिटेशन सेशन में। मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा तेज बोलूं जिससे आपको आसानी रहे, पर मेडिटेशन के दौरान आप कर सकते हैं जिससे आपको कंसंट्रेशन में बहुत आसानी हो। ये जो सेशन है ये प्रॉपर नॉर्मल लोगों के लिए है, और जो भी लोग किसी बड़े प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वो हमें पर्सनली कॉल करके अपने इस तरह के सेशंस अपने लिए पर्सनली डिज़ाइन करा सकते हैं, पर्सनली एक समय निर्धारित करके ले सकते हैं, और बाकी लोग करें तो इसको इसका फ़ायदा मिलेगा। एक थॉट आता है कि डेली ही हम एक ही तरह का मेडिटेशन करें, बिकॉज जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जगह नहीं बना लेता आपको, तब तक आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं। और यह है, अगर आप डेली डेली बदल देंगे, एटलीस्ट 21 डेज चाहिए आपकी पर्सनालिटी को बदलने के लिए, तो ये ऐसा ना सोचें कि डेली ही एक तरह का मेडिटेशन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा, और आज 20 साल के अनुभव से मैं ये कह सकती हूँ, बहुत सारे प्राणिक हीलर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, मेडिटेशन, योग मुद्रा, बहुत सारी चीज़ों में मास्टरी करने के बाद मैंने जो पेशेंट्स पे अप्लाई किया और जिस तरह से सीखा, तो वो एक छोटे से एक जितना मिनिमम कंपाइल हो सकता है आप लोगों के लिए, वो एक शॉर्ट पैकेज बनाया। हमारे क्लिनिक में इस तरह का मेडिटेशन रिकॉर्डेड है और हर एक पेशेंट इस मेडिटेशन को करता है, करके ही जाता है, और उसका उन्हें फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर इस टाइम पे हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस समय का सदुपयोग करें, और इस क्रूशियल टाइम में हम सब मिलकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखें, अपनी जो निगेटिव इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनको भी रिमूव करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें अगर हर लेवल पे अपने इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करना होगा, तो इतना तो आप आज समझ ही गए हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। और सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी इम्यूनिटी को मेंटल फिजिकल लेवल पे अच्छा रखें, और इसके लिए मेंटल इलनेस एकमात्र विकल्प है जिससे हम बच सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। तो अगेन हम शुरू करें। आँखों को आहिस्ता से बंद कर लें, अपने शरीर को हिला डुला के इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बीच में हिलना ना पड़े। हाथों को किसी भी मुद्रा में रख लें, नमस्कार मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, बुद्ध मुद्रा, किसी भी मुद्रा में जो आपको पसंद हो, जो आपको लगता हो उस मुद्रा में रख लें, जिसमें आप संयम से शांति से बैठ सकें कुछ देर हमारे साथ। और आप लेट भी सकते हैं, शांति से लेट सकते हैं, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लगाएं। इस दौरान आप किसी भी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो सकता है, भ्रामरी हो सकता है, पूरक रेचक कुंभक करके ब्रीदिंग को रोकना हो सकता है, इनहेल पॉज, एक्सहेल पॉज, सांस भरें रोकें, श्वास छोड़ें रोकें, श्वास भरें रोकें, श्वास छोड़ें रोकें, इनहेल पॉज, एक्सहेल, डीप इनहेलेशन पॉज, डीप एक्सहेलेशन पॉज, इनहेल पॉज, एक्सहेल pause, inhale, pause, exhale, pause, relax, focus on your breathing around your nostril, upside the upper lip, feel the sensation of your breathing, sensation of your breath, the warmth of your breath, calm, beautiful,
रिलैक्स। बहुत शांति से, धैर्य से, प्यार से अपनी सांस को देखते जाएं और खुद अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। स्वतः होने लगेगा जैसे ही आप अपने आप को आंतरिक वातावरण में ले जाएंगे, मतलब अपने आंखों को बंद करेंगे और श्वासों को देखने की कोशिश करेंगे, मींस थर्ड आई चक्रा जनरेट करें, त्रिनेत्रा, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और आप अपने स्व के पास जाएंगे। सब चीजों की आदत डालनी होगी और ये धीरे धीरे आएगी। जब आप डेली इन सब चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे इन सब चीजों की आदत पड़ने लगेगी। आंखों को बंद रखें, मेरी आवाज पर फोकस करें, कोशिश करें शरीर को ना हिलाएं और जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं, जो आवाज सुनाई दे रही है, उस पर फोकस करें। एक स्माइल के साथ, विदाउट प्रेशर। अगर नहीं दिख रहा है, मान लीजिए आपको अपनी सांसें नहीं दिख रही हैं, नाक के आसपास और होंठ के ऊपर का एरिया जहां मूछें होती हैं नहीं दिख रहा है, तो ऐसे करके ना देखें कृपया। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपने आप को सजेशन दें, मैं अपनी सांसों को देख रहा हूं या रही हूं और मुझे इसमें बहुत आनंद आ रहा है। बार बार दोहराएं, आप देखेंगे आपको अपनी सांसें दिखने लग जाएंगी। एनर्जी फॉलोज थॉट। आप पहले विचारों की ऊर्जा को डालिए और उनकी आदत डालिए और उनका प्रभाव पड़ने दीजिए, स्वतः अपने आप क्रियाएं होने लगेंगी। आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और आपको उसमें आनंद आने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, ऊर्जा से भरने लगेगा। अब हम एक प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, सूर्य भगवान, पृथ्वी, सभी महान आत्माएं और हमारी अपनी आत्मा, हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं आपके असीम आशीर्वादों के लिए, सहायता एवं समर्पण के लिए हम आध्यात्मिक साधना करते रहें। ऐसी आंतरिक शक्ति के लिए हम आपको बारंबार धन्यवाद करते हैं। हमें जो ऊर्जा मिल रही है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं और हम पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। हम पूरे दिन में जो भी चीजें हमें फ्रस्ट्रेट कर रही थी उनको बाहर निकालेंगे। पूरे दिन में अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग भावनाएं आई होंगी। किसी में किसी समय डर आया होगा, किसी में किसी समय इनसिक्योरिटी आई होगी, किसी में किसी समय गुस्सा आया होगा, किसी में किसी समय एंग्जाइटी आई होगी, चिंता आई होगी। तो इन सभी को हम एक्सहेलेशन के थ्रू, विचारों के थ्रू बाहर निकालें, क्योंकि ये हमारा विचार ही तो था। तो कोई भी दवा इस विचार को कैसे ठीक कर सकती है? और अगर ये कंटिन्यूस बना रहा तो ये हमारी फिजिकल बॉडी की बड़ी बड़ी डिजीजेस का कारण बनता है, जो कि हाँ, जिन्हें हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कहने लग जाते हैं। और आधी से ज़्यादा जनता इस बात से परेशान रहती है और इन सब चीज़ों की दवाएं खाती है। तो अगर हम
श्वास छोड़ने के समय अपने विचारों को जैसे बुलाया था, जैसे सुबह से कहा था मुझे डर लग रहा है, मैं एंजाइटी में हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, वैसे ही अगर हम विचारों के द्वारा ही इनको क्लीन करें, क्लींस योर माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड थ्रू योर थॉट, जैसे श्वास छोड़ेंगे तो हम अब ये बोलें कि मैं गुस्सा बाहर निकाल रहा हूं, मेरा गुस्सा बाहर जा रहा है, मेरा गुस्सा बाहर जा चुका है, मैं दृष्टा भाव से अपने गुस्से को बाहर जाता देख रहा हूं। नाउ यू आर फीलिंग रिलैक्स, करके देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितना जरूरत है उतनी बार कीजिए। अगर डर है तो डर को बाहर निकाले, मैं अपना सारा डर बाहर निकाल रहा हूं, मेरा डर बाहर जा रहा है, मेरा डर बाहर जा चुका है, आई एम रिमूविंग ऑल माई फियर फ्रॉम माई बॉडी एंड माइंड। ये तब तक कीजिए जब तक जैसे ही गुस्सा आए या जैसे ही डर आए और आपके अंतर मन की आवाज आए, आई एम रिमूविंग ऑल दिस एंगर। किसी ठंडे पानी की जरूरत नहीं है, किसी गहरे सांस लेने की जरूरत नहीं है, किसी के सजेशन देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी बॉडी की फिजिकल प्रॉब्लम्स को नहीं बढ़ाएगा, ना ही नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत करेगा। आपको ऑटो पायलट तक अपनी बात को पहचाना पड़ेगा और इसके लिए आपको इस अभ्यास को रटना पड़ेगा। इसीलिए मैं इस क्वारंटाइन टाइम पे आपके लिए हर दिन 5 बजे आती हूँ कि आप इसकी आदत बनाएं, लगातार रोज इसको नियम से करें, धीरे धीरे आप अपने शरीर में परिवर्तन देख पाएंगे। इसको डेली डेली महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पूरा परिवर्तन आपकी पर्सनालिटी में आएगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी छोटा सा विचार जो आपको सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ा सकता है, और इतना छोटा सा सोचना आपको बहुत अच्छा भी कर सकता है। तो अभी हम जहां पर थे, हमने प्रार्थना के बाद अपनी निगेटिविटीज को अपने एक्सलेशन के साथ बाहर निकाला था। जिसकी भी जो जो प्रॉब्लम है, जनरली थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा फियर, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, थोड़ा सा एंगर, हर किसी को दिन भर में समय समय पर आता है, क्योंकि हम लोग सोशल बींग हैं और किसी ना किसी के इंटरेक्शन में आते हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि वो एक विचार है, हमारे ऑरा मतलब बाहर आता है, बाहर दूसरों के लिए आ रहा है, तो बाहर तक ही हमें उसको रोकना पड़ेगा, वो हमारी फिजिकल एंटिटी में जगह ना बनाए जिससे हम और प्रॉब्लम्स का कारण ना बने। तो इसके साथ ध्यान करेंगे जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ हो और मन भी प्रफुल्लित हो। आंखें बंद रहेंगी, सबसे पहले हम अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएंगे। दाहिने पैर का अंगूठा दाहिने उंगलियां, दाहिने पैर का पंजा, दाहिने पैर की एड़ी, दाहिने पैर की पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटना, थाई, पूरा दाहिना पैर, बाया पैर। इंजॉय कीजिए, बंद आंखों से अपने शरीर को देखने की कला को समझिए। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा, इंट्यूटिव पावर बढ़ेगी, थर्ड आई चक्रा जनरेट होता है। बाएं पैर पे ध्यान लगाएं, बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की उंगलियां, बाएं पैर का पंजा, पिंडलियां, बाएं पैर का घुटना, थाइज, मेरे दोनों पैर,
शांत हैं, शिथिल हैं, ऊर्जा से भरे हैं। पेट पर ध्यान लगाएं, हृदय को देखें, गले को देखें, दाहिना हाथ, दाहिने हाथ की उंगलियां, बाएं हाथ की उंगलियां, पूरी स्पाइनल कॉर्ड, पूरी रीढ़ की हड्डी, चेहरा, सिर के ऊपर का भाग, अजना चक्र जहां बिंदी लगाते हैं, मन शांत और एक मुस्कुराहट के साथ करेंगे। जैसे फिल्म देखने जाते हैं वैसे काले पर्दे पर आपको अपनी ये पिक्चर और उनके ऑर्गन्स दिखने चाहिए। नहीं दिख रहा है तो अपने आप से सिर्फ ऐसा बोलें कि मैं ऐसा देख रहा हूँ। देखिए कुछ दिनों में ऐसा होने लग जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वैसे तो योग निद्रा ही अपने आप में 20-25 मिनट 45 मिनट की जाती है। जो क्लिनिकली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं हम उसमें 45 मिनट का सेशन रखते हैं, बट अभी इट्स टू लॉन्ग ऑलरेडी हो जाता है। तो अगर क्रॉनिक इलनेस ठीक करना है तो आप हमें पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं जिसमें हम और लंबा बताएं, बट अभी नॉर्मली इतना करना पर्याप्त है। इसके बाद हम अपने आप को कमांड्स देते हैं। कमांड्स होता है कि हम सबसे पहले इस ऊर्जा को, इस पृथ्वी को फॉरवर्ड करें, अर्थ को, इस पे रहने वाला हर प्राणी, हर जीव जंतु सुरक्षित रहे। और फिर एक संकल्प करें, मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरा कुटुंब सुरक्षित है, स्वस्थ है, मेरा भारत स्वस्थ है, सुरक्षित है, मेरी पृथ्वी स्वस्थ है, सुरक्षित है, संपूर्ण ब्रह्मांड स्वस्थ है, सुरक्षित है, हम सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और इसी के साथ नमस्कार। किसी को भी कुछ भी पूछना हो मेडिटेशन से रिगार्डिंग, मेंटल इलनेस से रिगार्डिंग, तो वो मुझे पर्सनली बात कर सकता है। मेरा नंबर है 849333। मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।